ओम शांति। बाबा कहते कर्मयोगी बनूं। कर्मयोगी बनने के लिए बाबा सहज युक्ति बताते। बाबा कहते लास्ट आते भी फास्ट जाने का सहज साधन है। सदा कर्मयोगी बनकर रहना। कर्म भी करो और याद में भी रहो। कर्म में इतना बिजी ना हो जाओ जो अपना ओरिजिनल स्वरूप भी विस्मृति में आ जाए। अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर शरीर का आधार लो। कर्मेंद्रियों से कर्म कराया, कर्म पूरा हुआ, न्यारे हो गए। यही कर्मयोगी स्टेज की सहज, यही कर्मयोगी की स्टेज सहज कर्मातीत बना देगी। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे हो जाए। यही अभ्यास बाबा कहते कर्मातीत बना देगा। तो सर्वप्रथम बाबा हम बच्चों को युक्ति बताते कि जब कोई कर्म करते हैं तो कर्म के साथ याद का बैलेंस होगा, तो सहज और स्वतः कर्म के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो सकेंगे। क्योंकि अंतिम कर्मातीत स्थिति प्राप्त करने का आधार ही है कर्मयोगी स्टेज। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा हद की रायल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाली निस्वार्थ सेवाधारी हूं। मैं आत्मा हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाली निस्वार्थ सेवाधारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हम न्यारे और एक बाप के प्यारे रहकर निस्वार्थ सेवाधारी होकर रह सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हूं। ज्ञान का सागर पिता निराकार परमात्मा मुझ आत्मा को। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर तीनों कालों का ज्ञान सुनाकर इस देह से देह की दुनिया से
देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से। कर्म के बंधनों से, हद की इच्छा मनोकामनाओं से। मुक्त अर्थात स्वतंत्र बना रहे हैं। मुझ आत्मा को अपने सर्व खजानों का मालिक बनाकर। गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाकर निस्वार्थ सेवाधारी बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, देह तथा देह के संबंधियों के वशीभूत हो। इच्छा मनोकामनाओं के, कर्म बंधनों के वशीभूत हो। इसीलिए तुम बच्चे दुखी हो, अशांत हो। अब खुद को आत्मा निराकार अनुभव करो। मुझ बेहद के पिता निराकार परमात्मा को याद करो।
देह से, देह के संबंधियों से। हद की रॉयल इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या बनो। और मुझ निराकार पिता परमात्मा शिव विश्व कल्याणी निस्वार्थ सेवाधारी के समान निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्वयं भगवान कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया है। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन
ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाली निस्वार्थ सेवाधारी हूं। मैं आत्मा हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाली निस्वार्थ सेवाधारी हूं। मैं आत्मा हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाली निस्वार्थ सेवाधारी हूं। मैं आत्मा तुरान देसी त्रिनेत्री हूं। स्वयं भगवान ने मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीनों लोकों का, तीनों कालों का
रहस्य जानने वाली मास्टर त्रिकालदर्शी हूं। अब इमर्ज करें अपने संपूर्ण संपन्न फरिश्ता स्वरूप को। इस पांच तत्वों की देह से न्यारा, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से स्वतंत्र, उड़ चला ऊपर बादलों के मार्ग होते हुए, बेहद का निस्वार्थ सेवाधारी बनकर, साक्षी होकर देखें प्रकाश एवं शक्ति से भरपूर मैं फरिश्ता। धीरे धीरे चलता हुआ ऊपर बादलों की ओर बढ़ रहा हूं। अब मैं एक छोटी सी बदली पर सवार होकर, अपने प्यारे पिता और अति प्रिय परमधाम घर की ओर देख रहा हूं। परम धाम से पिता परमात्मा से निकलकर गुण ज्ञान तथा शक्तियों से संपन्न किरणें मुझ फरिश्ते पर बरस रही है।
और मुझ फरिश्ते से होती हुई संपूर्ण विश्व के कोने कोने में फैल रही है। अब मुझ फरिश्ते की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना की सकास प्रकृति के पांचों तत्व जल वायु आकाश पृथ्वी और अग्नि को तमो प्रधान से मुक्त कराकर सतो प्रधान सुखदाई बना रही है। मुझ फरिश्ते से होती हुई परमात्म शक्तियों की किरणें पृथ्वी तत्व को हरा भरा बना रही जल तत्व को अशुद्धि और हलचल से मुक्त कराए अचल और शुद्ध बना रही ऐसे ही पांचों तत्वों का परिवर्तन होने के साथ साथ संपूर्ण विश्व की एक एक आत्मा का परिवर्तन होने लगा है। आत्माएं परमात्म शक्तियों को पाकर देह तथा देह के पदार्थों से
देह के संबंध और कर्म के बंधनों से न्यारा बन रहे हैं। आत्माएं देह भान से मुक्त होकर आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव कर रही हैं। उनके दुख अशांति और कष्टों का नाश हो रहा है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाली निस्वार्थ सेवाधारी हूं। मैं आत्मा हद की रायल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाली निस्वार्थ सेवाधारी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे। सेवा करने वाली निस्वार्थ सेवाधारी हूं। अच्छा, कल अमृत वेला में कल के पुरुषार्थ और नए सोमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।